भैया, एक बार फिर से मेरी बात आप लोगों के सामने सही साबित हो गई है। बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी के भाई खिलाड़ी कुमार को लेकर तो भाई अब मेरी कौन सी बात सही साबित हो गई, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड के पार्ट टू को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि भाई इसी महीने की 11 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। लेकिन भैया, इससे पहले कि यह फिल्म सिनेमा घरों में आ पाती कि भैया इस फिल्म को लेकर संशय का बाजार जो था वो काफ़ी गर्म हो गया था इस बात को लेकर कि भाई ये फिल्म जो है वो दूसरी बार सेंसर बोर्ड के पास पहुंच चुकी है रिव्यू के लिए, यानी कि भैया सेंसर बोर्ड से एक बार क्लीन चिट हासिल करने के बाद इस फिल्म को फिर से एक बार रिव्यू के लिए भेजा गया था सेंसर बोर्ड के पास। और भैया उसके बाद इस फिल्म को लेकर आज बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म के ऊपर काफ़ी चीर फार किया गया है, यानी कि भैया सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के ऊपर 27 टांके लगाकर भैया इस फिल्म को ए का सर्टिफिकेट देते हुए ये बात कह दी कि भाई आप अपनी इस फिल्म को अब इस काट छाट के बाद सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए तैयार रहो, यानी कि भैया अच्छा खासा इस फिल्म में कैची चला है। इस बात की जानकारी ऑफिशियली सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को लेकर दी गई है। कई सारे ऐसे ऐसे डायलॉग इस फिल्म में थे मेरे भाई, जिसको पढ़ते हुए मैं भी काफ़ी अचंभित हो गया था कि भैया इस फिल्म के मेकर क्या परोसना चाह रहे थे भैया ऑडियंस के सामने। और भाई जब वो डायलॉग्स हम लोग के सामने आए, उसी बाद ये बात साफ हो गई कि भैया क्यों इस फिल्म को एडल्ट का सर्टिफिकेट मिला है। तो भाई एडल्ट के सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को क्लीन चिट मिल गई है सेंसर बोर्ड की तरफ से कि यह फिल्म सिनेमाघरों में अब रिलीज करने के लिए आप मुक्त हो भैया ओ माई गॉड के पार्ट टू के मेकरों। तो भाई इस जानकारी के साथ ही अक्षय कुमार ने आज एक वीडियो पोस्ट किया है, पोस्टर मतलब कि मोशन पोस्टर टाइप का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई विश्वास बनाए रखने के लिए, मतलब कि हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत आभार। भैया इस फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज़ कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर या तो 1 अगस्त को या तो 2 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फाइनली भाई आज इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई कि भैया कल इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आप लोगों को पहले दी थी, आप लोगों को अगर ये जानकारी याद होगी तो मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।